नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। Assalamu alaikum and welcome to Nayi Subah Maths Tutorials for Foundation Course. मैं हूँ अनम तारिक। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट एक जमा करने के अमल का नाम है। किस चीज को जमा करने का? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। वो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि डिफाइन किए हुए हों और मुनफरिद हों एक दूसरे से। यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, एक दूसरे से अलग हो। फॉर इंस्टेंस, मैं डिफाइन करती हूँ कि एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इस सेट में सारे इवन नंबर्स ही होंगे। और डिस्टिंक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये वेल डिफाइंड है। ये डिफाइन किया गया है कि कौन सा सेट है। ये सेट है इवन नंबर्स का। और अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ नंबर्स, तो ये तो डिफाइन नहीं है कि कौन से नंबर्स, इसलिए ये सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए हमने कहा सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स में 0, 2, 4, 6, 8, जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, एक दूसरे से अलग हो। लेट सपोज एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं। ये एक सेट हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया। अब इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि शाहिद अफरीदी, अब शाहिद अफरीदी मोर देन वन टाइम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। इसके नोटेशंस और करेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।